हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर वंडर ग्लो पर। आई एम तनिका गुप्ता फ्रॉम वंडर ग्लो। वंडर ग्लो इज़ बेसिकली आ हर्बल प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स जो मैं खुद ही बनाती हूँ, और आप लोग ट्राई करिएगा, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सो आज हम लोग बात करेंगे ऑयली स्किन से रिलेटेड कि हाउ टू ट्रीट द ऑयली स्किन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑयली स्किन एंड व्हाट ऑल वी कैन यूज़ ऑन फेस रिलेटेड टू ऑयली स्किन प्रोडक्ट्स। पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके फ्रेंड्स को पता लगेगा, वो होममेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ दी ऑयली स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूँगी, जिनकी भी ऑयली स्किन है वो सैड ना होइए, बिकॉज़ उनके उनके लिए गुड न्यूज़ ये रहती है कि उनकी एजिंग साइंस बहुत डिलेड रहते हैं, उनको फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन की, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, बिकॉज उनकी ऑयली स्किन होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी उनकी स्किन पे अपने आप बन जाती है। हाँ, बट हीट जनरेट होती है, एक्ने इश्यूज रहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं ऑयली स्किन से रिलेटेड, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। चलिए, हमने देख लिया है कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ ऑयली स्किन। अब हम बात करते हैं कि हम होम रेमेडीज़ या अपना ऑयली स्किन का कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं घर पर ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत सारा वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, सो दैट हमारी स्किन हाइड्रिंग रहे, ग्लोइंग रहे और हेल्दी रहे। देन हम बहुत सारे फ्रूट्स ईट कर सकते हैं। वी कैन ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट। मिनिमम मेरे ख्याल टू फ्रूट्स आपको डेली ईट करने ही चाहिए। देन हम बात करते हैं फ्राइड फूड के ऊपर। वी शुड नॉट ईट फ्राइड फूड, बिकॉज़ फ्राइड फूड में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयल होता है, गर्मियों में वैसे भी वो थोड़ा सा हार्मफुल रहता है, और ऑयली स्किन के लिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा हमें कॉशियस रहना चाहिए फ्राइड फूड को लेकर। तो देयर आर थ्री थिंग्स: लॉट ड्रिंक ऑफ वाटर, से नो टू फ्राइड फूड, एंड ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो अब हम देखते हैं व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स वी नीड टू अप्लाई ऑन आर स्किन। ऑयली स्किन के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, मैं आज इसीलिए आपको ये बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है, या हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। और बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इन माय प्रोफेशन, अपने एक्सपीरियंस से, मतलब लॉट मेनी पीपल आर देयर जो बोलते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, हम कुछ लगाते ही नहीं है, हमें कुछ नीड ही नहीं होती, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमारी स्किन को हमेशा नरिशमेंट की, उसको बेटर दिखने की ज़रूरत होती है। तो वी शुड यूज़ प्रोडक्ट्स, बट इट शुड बी जेल बेस्ड, बिकॉज आपकी अगर ऑयली स्किन है, अगर आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो वो और ज़्यादा ऑयल का क्वांटिटी सिक्रीट होगा। तो बेसिकली हमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट की साइड जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, नरिशिंग जेल हो, सनस्क्रीन जेल हो। एंड बेसिकली ऑयली स्किन वालों को मैं सजेस्ट करती हूँ, जो मेरे पास प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें से चारकोल फेस वॉश। चारकोल फेस वॉश बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये वाला। इसमें 6 to 8 आवर्स तक आपको ऑयल नहीं लगेगा। यू शुड वॉश योर फेस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे विद दिस फेस वॉश, और आपकी स्किन धीरे धीरे नॉर्मल की साइड मूव हो जाएगी। यू विल नॉट सी द ऑयल ऑन योर फेस, लाइक इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा। देन चारकोल फेस वॉश के बाद आई रिकमेंड दिस रोज़ वाटर। दिस इज़ अ मिस्ट पम्प, एंड ये मिस्ट के साथ आता है, बहुत ही अच्छा रहता है। यू कैन सी, अगर आप 2 पम्प्स जस्ट फेस पे अपना स्प्रिंकल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इट कीप्स यू हाइड्रॉन्ग। एंड देन आफ्टर दिस यू कैन यूज़ दीज जेल्स। दिस इज़ फेस कूलिंग जेल एंड दिस इज़ फेस ग्लो जेल। फेस कूलिंग जेल हम बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, उनको देते हैं, एंड इट इज़ वेरी गुड जेल। इसमें मिंट जेल होता है, कुकुम्बर जेल होता है जो ऑयली स्किन को ट्रीट करने के लिए काम आता है, देन टी ट्री ऑयल होता है, और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा रहता है। यू कैन सी दिस जेल, और अगर आप इसको लगाते हैं बहुत मिनिमम सा अमाउंट लेकर, आपको जस्ट 2 मिनट्स तक अपनी स्किन पे मसाज करनी है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा।
और आप देखेंगे आपको कूलनेस मतलब लगेगा इसके। दिस इज़ वेरी गुड जेल एंड वन इज़ लाइक ग्लो जेल। ग्लो जेल बेसिकली हम उनको देते हैं जिनकी स्किन टाइप थोड़ा सा डल होती है या ब्राइटनेस नहीं होती। इट इज़ बेसिकली आ कॉफ़ी बेस्ड जेल जो बहुत अच्छा रहता है स्किन टाइप के लिए। ये भी बहुत सारे जेल से मिलके बना है, देन कॉफ़ी और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे रहते हैं जो बहुत ब्राइटनिंग लाता है फेस पर और बहुत अच्छा रहता है। देखिए ये ग्लो जेल है, आप इसको रब करेंगे ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कॉफ़ी के ग्रेन्यूल्स हैं वो बेसिकली डिजॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छे से। यू कैन सी द डिफरेंस इन द हैंड, बहुत अच्छा रहता है, बहुत नरिशिंग रहता है। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन, लोशन और जेल, वट एवर सूट्स यू। बेसिकली ऑयली स्किन के लिए हम सनस्क्रीन जेल ही सजेस्ट करते हैं। एंड वन मोर प्रोडक्ट इज़ देयर, विटामिन सी फेस वॉश। ये फेस वॉश उन स्किन टाइप के लिए होता है जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है या फिर जिनका रहता है लाइक ऑयली टू नॉर्मल स्किन के बीच में जिनका स्किन टाइप होता है, उसके लिए वी गिव विटामिन सी फेस वॉश। अदरवाइज जिनकी सुपर ऑयली स्किन होती है उन लोगों को हम चारकोल फेस वॉश देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज प्रोडक्ट्स और एनी अदर प्रोडक्ट यू कैन यूज़ फ्रॉम मार्केट एज वेल, बट यू शुड यूज़ जेल बेस्ड प्रोडक्ट। मेन एम हमारा यही था बताने का कि आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए फॉर ऑयली स्किन। एंड आई विल लाइक शेयर ऑल दी डिस्क्रिप्शन एंड लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर एज वेल, फ्रॉम अमेजॉन एज वेल, फ्रॉम आर वेबसाइट एज वेल। सो कीप ग्लोइंग विद वंडर ग्लो, कीप शेयरिंग दी वीडियो। थैंक यू सो मच।